नमस्कार दोस्तों, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला और मैं एक इंडियन आर्मी का कमांडो हूँ। तो मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी एक हमारे हिमाचल में जो राजधानी है शिमला हिमाचल की, वहाँ पर एक केस हुआ है। तो केस में रेप केस हुआ है, तो तुम भी बहुत बड़ी बात है ये हमारे हिमाचल के लिए, हमारे इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, लोगों को ये मतलब जो रेपिस्ट हैं और ये जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें बस ये है कि हाँ हम रेप करेंगे हम छूट जाएंगे। वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और पुलिस वाले पैसे खाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेप केस हैं ये इंडियन आर्मी को देना चाहिए। ठीक है, हम तो लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, जाकर बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, JNDK में गोली खा रहे हैं। हमें सिर्फ कितना एक एक साल एक महीना याद रखती है दुनिया। ठीक है, हम लड़ रहे हैं सिर्फ अपने भारत माँ के लिए। तो माँ में मेरी माँ भी आती है और बहन भी आती है, तो वो सेफ नहीं है तो हम किस लिए लड़ रहे हैं? आगे जाके क्यों लड़ रहे हैं? हमें कोई हक नहीं आगे लड़ने का, जब हमारे भारत में ही मिलिटेंट्स हैं, इतने सारे गुंडे हैं। एक रेप केस करना, वो क्या गुंडागर्दी नहीं है क्या? वो भी तो गुंडागर्दी है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब ना हो और उन्हें सजा। मैं इंडियन आर्मी में, मुझे पता है कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता। बट मैं जब ये फौज छोड़ूंगा, जब भी और मुझे हक है, मैं उन बंदों को मारूंगा, चाहे उसके बाद मुझे सजा मिले चाहे जो मर्जी मिले। ठीक है, और रही बात कि मरना तो बहुत इजी है। ठीक है, मुझे फांसी लगा तो मैं भी एक झटके मर जाऊंगा, पर जो लड़की, जो एक 10वीं क्लास की लड़की, आई थिंक वो कितने साल की होगी, वो 15 साल की होगी, तो उस लड़की के साथ इतना बड़ा सीन हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, इतना इतना खतरनाक कार्रवाई की है किसी ने। ठीक है, तो ये मतलब अपने, पहली बात ये बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं, और ये किया है अपने लोकल किसी बंदे ने किया है, और ये बोला जा रहा है कि बहुत अमीर फैमिली से है, तो अमीर कहीं डिजर्व नहीं करता इस चीज़ के लिए कि हाँ वो अमीर है और गरीब है। बट बात ये है कि जो गलत है वो गलत है। तो मैं चाहता हूँ ये केस इंडियन आर्मी को दिया जाए, और मरना तो मैं भी मर जाऊंगा यार, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे को फांसी लगा मैं एक झटके मर जाऊंगा। और उसकी जो माँ बाप, जिनको उनकी बेटी अब चली गई है, मार के उन्होंने कहाँ फेंका, क्या किया, 3 दिन से उसे कुछ पता ही नहीं है, और किसी को पता ही नहीं है। तो अभी ये क्या गर्ल्स कैसे घूम नहीं सकती, क्या सेफ नहीं रह सकती? स्कूल से एक आती हुई लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बेइज्जती की बात है। हिमाचल में इतना पैसा आ रहा है यार, गवर्नमेंट इतना पैसा ले रही है, इतना पैसा खा रही है, क्या है वो कैमरे नहीं लगा सकती क्या? वो कुछ कोई सेफनेस नहीं है क्या? पुलिस वाले तो पूरे पैसे लेते हैं 8 घंटे के लिए कि हाँ हम 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। क्या ड्यूटी दे रहे हो तुम यार, क्या ड्यूटी दे रहे हो? आओ उधर बॉर्डर पे, पता लगेगा जब गांड फटेगी ना, जब सामने से 100 मीटर से ब्रस्ट फायर आएगा ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि दुनिया क्या है। ठीक है, पिस्टल तुमने पकड़ी हुई है, गोली उसकी तुम्हारे पास नहीं है, SLR तुमने पकड़ रखी है, उसकी रेंज कितनी है? कुछ भी नहीं है, वो काम तो करती नहीं है, क्या मतलब है ये? तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज पुलिस वालों को तुम मेरी तरफ से नमस्ते है कि तुम प्लीज, यदि तुमसे नहीं होता तो हमें ये केस दे दो, मुझे दो या मेरे जितने भी भाई हैं इंडियन आर्मी के, उन सबको दो ये केस। ठीक है, और उनको ऐसी सजा दो, खून का बदला खून होगा और रेप का बदला रेप होगा। उनकी गांड मारो पहले पकड़ के, ठीक है, उसके बाद कार्रवाई करो, उन्हें लंगड़ा लूला कर दो, पूरी जिंदगी भर याद करें कि हमने कुछ किया था, चाहे वो अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो जो मर्जी है, चाहे वो किसी मंत्री का लड़का है, चाहे जिस मर्जी का लड़का है, उसके साथ ये कार्रवाई होना चाहिए। थैंक यू। और मैं तुम्हें नहीं बोल रहा गाइस कि तुम मेरी वीडियो सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, तुम्हारे दिल में जो चीज़ है वो चीज़ है और ये हकीकत है। कल को हमारे इंडिया में ऐसा चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? हम लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारे घर पे फैमिली बैठी, हम क्यों लड़ रहे हैं? जब हमारी फैमिली सेफ नहीं है तो हमारे लड़ने का क्या हक बनता है? हम तो भारत माँ के लड़ रहे हैं, भारत माँ में हमारी फैमिली भी आती है, अब फैमिली हमारी सेफ नहीं है तो हमारे लड़ने का क्या मतलब है? हम उधर जाके लड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं वहां पर जाके, क्या मतलब है यार? जब अपनी माँ एक सेफ नहीं है, अपनी बहन सेफ नहीं है, ये पीछे से ऐसे हो रहा है हमारे भारत के अंदर ही इतने, अब ये रेप किया हुआ, ये क्या मिल्टन नहीं है क्या? ये जो किया ये बहुत अच्छी चीज़ है क्या?